अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं, ठीक है, बड़ी स्पेशल के साथ। आज हम बना रहे हैं बीफ बर्गर, जूसी बर्गर, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या अज़ दरकार है, उसमें हमें एक मीडियम प्याज चाहिए जिसको मैं यूज़ कर लूँगी। उसका सारा पानी इस तरह से हाथ से निकाल लूँगी, ठीक है। मैंने कद्दूकश कर ली थी, कद्दूकश करने के बाद मैंने उसको इस तरह से सारा पानी निकाल लिया है, ठीक है। ये एक दरमियानी साइज़ के हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप करके, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक डालेंगे, 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस है, नमक हसबे जायका है, वन टेबल स्पून मैंने चॉप हरी मिर्च है, हाफ कुटी मिर्च, और हाफ ही पिसी मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे, ठीक है। इसमें आपने 1 टेबल स्पून वॉस्टर सॉस डालनी है। इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। आप मैदे की मैदा ऑप्शन है, आप इसके साथ इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलें जी, हम लोग सॉस बनाते हैं अपने ग्रिल्ड बीफ बर्गर की, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सॉस ही होती है और पेटी होती है, आपको पता है बर्गर में। तो ये 3 टेबल स्पून जो है मैंने मायोनीज लिया है, उसके बाद जो है 2 टेबल स्पून जो है मैं हॉट सॉस लूँगी, और 1 टेबल स्पून जो है वो चिली गार्लिक है। उसके बाद जो है वो 1/2 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट है, और 1/2 टीस्पून जो है वो वॉस्टर सॉस है, और ये मैंने 1 गार्लिक को क्रश कर लिया था, ठीक है। तो ये मैंने 1 गार्लिक इसमें डाल दिया, यानी कि जो 1 क्लोव होता है ना उसका। अच्छा, चुटकी बराबर जो है वो हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि सारे सॉसेज में नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। वो आप लोग अगर देख लें, टेस्ट कर लें अगर आप लोगों को लगे, लेकिन मैं सॉस में नमक नहीं डालती। देखिए, ये हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है, ठीक है। चले, हम बर्गर की पैटी बना रहे हैं ग्रिल फ्राई पैन में, ठीक है। इस तरह से जैसे हम कोफ्ते का शेप देते हैं, इस तरह देते हैं। कोई भी आपके पास वो हो, बटर पेपर ले लीजिए। बटर पेपर इस तरह से करने से आराम से जो है वो आपका कबाब इजीली हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। उसको शेप इस तरह से आप लोग अपने हाथ से दे दीजिए। ये देखिए, ये इजीली इस तरह से उठ जाता है। मैंने ग्रिल फ्राई पैन लिया है, आपके पास अगर ग्रिल ना हो तो कोई मज़ायका नहीं, आप जो है वो सादे तवे में भी कर सकते हैं। अगर आपका कीमा जो है बहुत ज़्यादा मोटा होगा तब भी जो है वो पैटी सही नहीं बनेगी। तो आप लोगों का कीमा बहुत स्मूथ होना चाहिए, और अगर आपको भी कीमे में बाइंडिंग ना हो रही हो तो आप लोग जो है वो ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, और एक अंडा भी डाल सकते हैं। अनियन को ग्रिल करना है, इसी में बर्गर को ग्रिल कर लेंगे। असेंबल करने की बारी आ गई है। ये हमने सॉस लगाई,
और उसके ऊपर ये सलाद पत्ता, ये हमारी पेटी, एक्स्ट्रा सॉसेस करने के लिए मैंने ऊपर भी डाला है, और ये हमारी अनियन, ठीक है। ये हमारा बर्गर तैयार है। ये मैंने बगैर चीज़ के बनाए हैं, ये विदाउट चीज़ है और वो वाला चीज़ वाला है जी। हमारे बर्गर रेडी हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किस कदर ये ज़्यादा जो है वो जूसी बना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बड़ी ईद स्पेशल, तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।